यहाँ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी आतंकवादियों की तुष्टीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुर्सी के खातिर बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक अपीजमेंट पॉलिसी सेपरेटिस्ट के प्रति चलाई जा रही है, ना केवल उनके दबाव में आकर कश्मीरी पंडित्स के टाउनशिप्स का प्रोजेक्ट को शेल्व कर दिया गया, बल्कि 4500 पत्थरबाजों के रिहाई के आदेश भी जो हैं वो दिए गए हैं। ये वो पत्थरबाज हैं जो आर्मी के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पथराव करके मिलिटेंट्स को सेफ पैसेज देते थे, और आर्मी ने ये कहा था कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो चलना चाहिए। लेकिन राष्ट्र विरोधी तत्वों की जिस तरीके से आप अपीजमेंट यहाँ कर रहे हैं, वो राष्ट्रवादी लोगों को जो है वो गवारा नहीं है। बहुत भारी एक गुस्सा लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और आपने जो NIA ने इनिशिएटिव्स लिए थे और जो एक शिकंजा कसा था अलगाववादियों के ऊपर, आपने उस सारी एक्सरसाइज को जो है वो नेगेट किया है, और एक मनोबल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का भी आपके फैसलों की वजह से गिरा है। हम आपके फैसलों की कड़ी मुजम्मत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद एक वक्त पे ये कहती थी कि पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस के नारे देती थी। और 2009-10 में जब पत्थरबाजों को NC और कांग्रेस की सरकार ने छोड़ा था, तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उसकी कड़ा विरोध किया था। आज आप PDP के एक जूनियर पार्टनर बने रहने के लिए इतना बड़ा समझौता अपने असूलों के साथ ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की सिक्योरिटी के साथ कर सकते हैं, ये आपने साबित कर दिया है। और इससे यहाँ के राष्ट्रवादी लोग जो हैं वो आहत हुए हैं।